मृतक मजदूर के शव को कंपनी के गेट के सामने परिजनों ने रखकर 10 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कंपनी प्रबंधक और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं परिजनों का आरोप है कि मजदूर की मौत कंपनी के अंदर हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। धार जिले की औद्योगिक नगरी प्रीतमपुर में RSPL घड़ी डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली कंपनी के सामने मजदूर के शव को रखकर उसके परिजन 10 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि औद्योगिक नगरी प्रीतमपुर में स्थित RSPL घड़ी डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली कंपनी में सागर निवासी संदीप पवार मजदूरी का काम करता था। संदीप अपनी नाइट शिफ्ट में मंगलवार को मजदूरी करने कंपनी में गया और बुधवार सुबह संदीप का शव कंपनी के अंदर पानी की टंकी के पास मिला। संदीप के शव मिलने की सूचना पर प्रीतमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और इस घटना की जैसे ही जानकारी संदीप के परिजनों को लगी तो वे भी मौके पर पहुंचे और संदीप की हत्या कंपनी के अंदर होने का आरोप लगाती नजर आए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला संदिग्ध होता देख FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया। इस मामले में पूरी जांच पड़ताल होने के बाद मजदूर संदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए प्रीतमपुर के सरकारी अस्पताल भेजा और मर्ग कायम कर मामले की जांच पड़ताल शुरू करी। वहीं पोस्टमार्टम के बाद संदीप के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया, परंतु संदीप के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने की वजह उसके शव को कंपनी के गेट के सामने रखकर 10 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की। मौके पर कंपनी प्रबंधन और पुलिस मौजूद है जो लगातार संदीप के परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर संदीप के परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर पंडित के परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। कारण तो हत्या वाले हम ये नहीं करेंगे, क्या हुआ आपकी घटना आपकी कंपनी में हुई है कि नहीं? नहीं, हमारे जो प्लांट बन रही है उसमें है, वहाँ पे कोई अधिकारीगण नहीं रहता है हमारा, वो हमारे दूसरा प्लांट है जी, हम लोग दूसरे प्लांट में बैठते हैं। तो जहाँ पे अधिकारी नहीं रहते वहाँ पे अन्य बाहर का व्यक्ति जा सकता है? सिक्योरिटी तो रहती है सर, सिक्योरिटी गेट पे रहती है। बावजूद इसकी घटना को आप क्या लेते हैं? सर अभी देख लेते हैं, PM की जो रिपोर्ट आती है फिर समझते हैं हम भी। हम जो आदमी मृतक है वो आपके यहाँ का स्थायी कर्मचारी है या क्या है? स्थायी है, स्थायी कर्मचारी है। सर की घटना पहले भी पूर्व में भी हो चुकी है आपकी कंपनी में? ठीक है सर, मुझे नहीं पता उस बारे में। आप किस पद पे हैं? मैं प्लांट मैनेजर हूँ। आप? ये SRPL कंपनी है, डिटर्जेंट पाउडर बनाती है जी। इसकी यूनिट नंबर 2 के सीवेज सेक्शन में एक ड्यूटी पर संदीप पिता सुरेश पवार 25 साल का सागौर का निवासी है, ड्यूटी पर था। रात में ड्यूटी के दौरान टैंक में गिरा हुआ पाया गया। सुबह कर्मचारी जो ड्यूटी पे आया उसने सूचना दी, उसमें से मर कायम करके और FSL द्वारा उसका निरीक्षण करवा के लास्ट को परिजनों का आरोप है कि हत्या हुई है, ऐसा कुछ क्या? परिजन कंपनी वालों पे आरोप लगा रहे हैं, उसकी विस्तृत जांच की जा रही है बारीकी से और पोस्टमार्टम के बाद जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्रवाई। कुछ सहायता राशि भी इनको दी गई है? वो कंपनी वाले ने उनको डायरेक्ट कुछ दी है। कंपनी की लापरवाही सामने दिख रही, अभी प्राथमिक तौर पर कुछ कह नहीं सकते जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक आगे